एक और बड़ी खबर, जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर शिकंजा कसने के लिए एक बार फिर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने कोशिशें तेज कर दी हैं। अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर एक साझा प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी और 10 अस्थायी देशों के बीच बांटा गया है। 2 हफ्ते पहले चीन ने वीटो इस्तेमाल कर मसूद अजहर पर लगे आरोपों की जांच के नाम पर वक्त मांगा और उस वक्त के प्रस्ताव उसे उस वक्त रोक दिया गया, लेकिन इस बार अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने ठोस तैयारी कर ली है। इस बीच आतंकी मसूद पर बैन लगाने में अड़ंगा डालने पर अमेरिका ने चीन को फटकार भी लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि एक ओर चीन अपने देश में मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार करता है और दूसरी ओर आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाते वक्त संयुक्त राष्ट्र में अड़ंगा लगाता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने उइगर समुदाय समेत 10 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को हिरासत में रखने का भी आरोप लगाया है।